नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई काफी सारी न्यूज है, काफी सारी अपडेट है, और जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं उनका भी, तो सभी के मैं आपको आंसर करने वाला हूं। पूरी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे से वही क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ होता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है अपने रिजल्ट को लेकर, यानी कि जिन बच्चों के ऑड सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे उसमें, चाहे वो आपका बीबीए है, बीसीए है, बीए एलएलबी है, एलएलबी थ्री ईयर में आपका थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्जाम हुए थे, कि उनका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो साथियों, कॉपी ऑलमोस्ट चेक हो चुकी है, यानी कि पूरी कॉपी चेक हो चुकी है, जो आपका रिजल्ट है हो सकता है इस वीक के लास्ट में या नेक्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। अब उसमें कुछ कॉलेजों के प्रैक्टिकल और वाइवा रह गए थे, तो जिन कॉलेजों के प्रैक्टिकल और वाइवा रह गए थे, अब उनको पूरा कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करी जानी है, यानी कि हो सकता है इस वीक से आपकी जो प्रैक्टिकल की प्रक्रिया है वो शुरू करा दी जाए। और जिन कॉलेजों के यदि प्रैक्टिकल और वाइवा नहीं होते हैं, तो उन कॉलेजों का रिजल्ट पेंडिंग में दिखाएगा जब तक उनके प्रैक्टिकल और वाइवा नहीं हो जाते हैं, बाकी कॉलेजों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं जो नए सत्र के लिए एडमिशन के लिए पूछ रहे हैं कि नए सत्र में जो एडमिशन है वो कब से शुरू होंगे। काफी सारे बच्चे निरंतर कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, तो अभी नए सत्र के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि जो हमारे ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं उनके लिए भी, अभी जो हमारा ट्वेल्थ का है उनके एग्जाम ही नहीं हुए हैं, उनका रिजल्ट तो बहुत टाइम अभी लगने वाला है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले के लिए ग्रेजुएशन के अभी फाइनल एग्जाम नहीं हुए हैं, तो इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, चाहे वो एमए है, एमकॉम है, तो अभी उनके लिए बहुत सारा टाइम लगने वाला है। दूसरी बात, जो इस बार एडमिशन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल चेंज रहेगी। आपको किस तरीके से सब्जेक्ट लेने हैं, किस तरीके से आपके जो कोर्स मॉड्यूल रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, तो सब सारी चीजें पूरी तरीके से चेंज कर दी गई हैं। तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि जो आपका पूरा नया सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहला है, यदि आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बैच स्टार्ट मैंने कर दिया है टारगेट विद गुरुजी पर मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है। उसमें आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी की क्लास प्रॉपर वे में मिलने वाली है। बाकी चैनल की तरह नहीं है कि चार क्वेश्चन कराए, पांच क्वेश्चन कराए और आपका चैप्टर खत्म। पूरा मैं आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन टाइप वाइज में कराने वाला हूं, यानी कि एक चैप्टर में से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से कराने वाला हूं। दूसरा है, आप इसके लिए टारगेट विद गुरुजी चैनल पर आ सकते हैं, जो हमारा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी आपको करनी है। दूसरा, यदि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी है, तो उसके लिए हमारा लर्निंग विद अर्निंग चैनल है। लर्निंग विद अर्निंग पर मैं आपको लगातार निरंतर प्रोग्रामिंग की क्लास दे रहा हूं, तो आप आ सकते हैं लर्निंग विद अर्निंग के चैनल पर। इन दोनों के ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो बहुत सारी न्यूज ऐसी होती है जिनको मैं आपको इसमें इंक्लूड नहीं करता हूं, वो मैं अपने फेसबुक पेज पर निरंतर अपलोड करता रहता हूं, यानी कि जो न्यूज़पेपर की कटिंग होती है उनको मैं निरंतर फेसबुक पेज पर अपलोड करता रहता हूं। जैसे कि आज की यदि हम बात करें तो सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कम से कम 6 तरीके की न्यूज है, कि जो अब आप जो हमारे कुलपति हैं तनेजा जी, उन्होंने पूछा है कि कितनी डिग्रियां अभी तक बच्चों के घर पर पहुंचाई गई हैं, जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे उनके जो चरित्र चित्रण के बारे में भी अब पढ़ाया जाएगा। तो बहुत सारी न्यूज हैं जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो उनको मैं निरंतर अपने फेसबुक पेज पर अपडेट करता रहता हूं। और साथ के साथ जो गवर्नमेंट जॉब आती है, प्राइवेट सेक्टर की जॉब आती है, वो भी सब मैं अपडेट करता रहता हूं अपने फेसबुक पेज पर। तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब आगे बात करते हैं साथियों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कल जो हमारे एक नोटिस जारी हुआ था सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो जो हमारे एग्जाम फॉर्म है वो ओपन हो गए हैं। अब एग्जाम फॉर्म किस किस के लिए ओपन हुए हैं? एग्जाम फॉर्म ओपन हुए हैं हमारे पीजी कोर्सेज के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, जिसमें आपका एमए है, एमकॉम है, एमएससी है, एमएससी आपका एग्रीकल्चर है और एमएससी आपका होम साइंस है। तो आपके ये एग्जाम फॉर्म ओपन हो गए हैं, और साथ के साथ जो आपका एलएलएम है उसके लिए भी एग्जाम फॉर्म ओपन हो गए हैं, और साथ के साथ जो हमारा एलएलबी थ्री ईयर है, एलएलबी थ्री ईयर में आपका फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के लिए आपके एग्जाम फॉर्म ओपन हो गए हैं।
अब इसी के साथ साथ जो हमारे अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो हमारे एग्जाम फॉर्म भरे जाने हैं वो आज से भरे जाने स्टार्ट हो रहे हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो है आपकी 15 जून, 15 जून तक आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। अब स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या सर आप कंफर्म है कि हमारे एग्जाम होंगे? तो साथियों ऐसा नहीं है, ऐसा कंफर्मेशन अभी नहीं है, अभी एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। फाइनल ईयर के तो एग्जाम होने हैं, 100% होने हैं, लेकिन जो आपके सेकंड ईयर और आपका फर्स्ट ईयर है उनको प्रमोट के लिए अभी ऐसा नहीं है कि उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब एग्जाम फॉर्म भरा जा रहे तो उनके एग्जाम ही होंगे, चांसेस यही है कि आपको प्रमोट ही किया जाएगा, लेकिन प्रमोट वही बच्चे होंगे जिनके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें कुछ स्टूडेंटों ने मांग भी उठाई है कि जब प्रमोट होंगे तो बच्चों से शुल्क क्यों लिया जाए, यानी कि जो एग्जाम फॉर्म भरा जाए उसमें फीस ना ली जाए। तो अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि फीस ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, अभी तक जो फीस है वो ली जा रही है, यानी कि अभी तक इस पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई अभी स्टूडेंट ने मांग उठाई है कि फीस ना ली जाए। इससे आगे बीएड वाले बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में कि सर हमारे जो बीएड फर्स्ट ईयर के हैं एग्जाम फॉर्म कब से आएंगे? तो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो एग्जाम फॉर्म है बहुत जल्द आने वाले हैं, हो सकता है इस वीक के लास्ट तक आ जाए या नेक्स्ट वीक में आपका एग्जाम फॉर्म आ जाए। अब आपके जो एग्जाम है, एग्जाम होने के चांसेस कम है कि आपको प्रमोट ही किया जाएगा, लेकिन एग्जाम फॉर्म जरूर भरवाए जाएंगे। बच्चे वही प्रमोट होंगे जिनके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। दूसरा जो आपके सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं बीएड सेकंड ईयर जिनका फाइनल ईयर है इस बार, वो पूछ रहे हैं सर हमारे जो एग्जाम है वो कब तक होंगे? तो साथियों जो बीएड फाइनल ईयर है उनके जो एग्जाम है उनके एग्जाम जुलाई या अगस्त में कराए जाएंगे, जुलाई या अगस्त में उनके एग्जाम होने वाले हैं, जुलाई से पहले उनके एग्जाम पॉसिबल नहीं है। अब बात करें जो हमारे फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं जो बाकी कोर्सेज हैं, चाहे वो एनुअल कोर्स है चाहे वो आपका सेमेस्टर मोड का कोर्सेज है, तो उनके एग्जाम कब तक होंगे? तो साथियों उनके जो एग्जाम है बिल्कुल यानी कि आपके जून के बिल्कुल लास्ट से यानी कि 25, 26, 27 तारीख से स्टार्ट हो सकते हैं या आपके जुलाई में ही आपके एग्जाम स्टार्ट कराए जाएंगे। जून में आपके बहुत कम चांसेस हैं कि आपके एग्जाम स्टार्ट कराए जाएं, जो एग्जाम आपके होने हैं वो जुलाई से ही आपके स्टार्ट कराए जाएंगे। अब बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे थे एनुअल कोर्सेज के, तो क्या उन्हें भी एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, उन्हें एग्जाम फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, सिर्फ उन बच्चों को एग्जाम फॉर्म भरना है जो हमारे सेमेस्टर मोड के आपके कोर्सेज हैं और उसमें भी अभी पीजी के लिए एग्जाम फॉर्म ओपन हुए हैं, यानी कि जैसे आपका ग्रेजुएशन कोर्स है, जैसे आपका बीबीए है, बीसीए है, इन कोर्सेज के लिए अभी एग्जाम फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं इवन सेमेस्टर के लिए। इसके बाद में एक गुड न्यूज और भी है जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं, बीएड वाले बच्चों के लिए इस बार गुड न्यूज है। जिन बच्चों ने अपना एंट्रेंस फॉर्म भरा हुआ है तो उनके लिए गुड न्यूज ये है कि उनकी फीस अब कम कर दी गई है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ही फीस कम कर दी गई है। अभी तक जो फीस लगती थी बीएड फर्स्ट ईयर में फीस जाती थी आपकी 51,250 रुपए और सेकेंड ईयर में जो फीस जाती थी वो जाती थी 30,000 रुपए, यानी कि टोटल फीस जो लगती थी वो लगती थी आपकी 81,250 रुपए, लेकिन अब बीएड की फीस कम करके उसको टोटल फीस कर दिया गया है 70,000 रुपए, यानी कि अब जो आपकी फीस लगेगी वो लगेगी आपकी 70,000 रुपए, यानी कि जो आपकी फर्स्ट ईयर में फीस लगने वाली है फर्स्ट ईयर में आपकी फीस लगेगी 45,000 रुपए और सेकेंड ईयर में जो फीस लगेगी आपकी वो लगेगी 25,000 रुपए, यानी कि इस तरीके से आपकी टोटल फीस जो लगेगी वो लगेगी आपकी 70,000, यानी कि आपकी लगभग 11,250 रुपए कम कर दिए गए हैं। वैसे जो बीएड की फीस है जो बाकी कॉलेज है, जो प्राइवेट कॉलेज है, उनमें एडमिशन बहुत आराम से हो जा रहा है, सीट बहुत खाली रह जाती है, तो उनमें आपका एडमिशन आपका 20,000-30,000 में तो वैसे ही हो जाता है, तो यानी कि लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल फीस है उसको कम कर दिया गया है, यानी कि अब जो फीस है टोटल फीस आपकी 70,000 रुपए लगने वाली है। अब इसमें बच्चों का एक क्वेश्चन और भी होगा कि सर जिनका फाइनल ईयर है या जिनका इस बार फर्स्ट ईयर है क्या उनके लिए भी लागू होगी? नहीं, ये फीस उन बच्चों के लिए लागू होगी जिन बच्चों का सेशन इस सत्र से स्टार्ट होगा, यानी कि जिनके एडमिशन 2021-22 के लिए होने वाले हैं, जिनका इस बार फाइनल ईयर है या जिनका इस बार फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर में आए हैं तो उनके लिए ये फीस लागू नहीं होगी, ये सिर्फ फीस नए सत्र के बच्चों के लिए लागू होनी है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें क्लियर कर दी है, यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।